नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको गणेश जी अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाली कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का एक अनोखा नियम था, वो रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। वो रोज सुबह सुबह जल्दी उठती, अपने घर का सारा काम करती और फिर अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। भाई के घर जाने के रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की एक मूर्ति रखी हुई थी। वो हर रोज गणेश जी की उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़ती और कहती, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर वो अपने भाई के घर की तरफ आगे बढ़ जाती थी। जंगल से आते जाते झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन अब वो भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखा और बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, भाभी आपके पैरों में क्या हुआ है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि जंगलों के रास्ते में झाड़ों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी अपने पति से कहा कि आप रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पैरों में बहुत से कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट दिया और रास्ता एकदम साफ कर दिया, जिससे गणेश जी की मूर्ति का स्थान भी वहां से हट गया। ये देखकर भगवान रुष्ट हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। जब लोग अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को ले जाने लगे तो भाभी रोती हुई बोली, आप लोग थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है, उसका अपने भाई का मुंह देखने का नियम है। तब लोग बोले, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए ससुराल के लिए निकली। तो जंगल में पहुंची तो देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। आगे बढ़ी तो देखा कि विनायक जी को भी अपने स्थान से हटा दिया गया है। वो तुरंत एक खेजड़ी की डाल लेकर आई, गणेश जी की मूर्ति का स्थान बनाया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर वो आगे की ओर चल दी। भगवान गणेश सोचने लगे, अगर इसकी न सुनूं तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब गणेश भगवान ने उसे आवाज दी और बोले, बेटी खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और कच्चे दूध में खोलकर अपने भाई को चीटे मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने सोचा, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वो 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची तो उसने देखा वहां कई लोग बैठे हैं। भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, दूध लाई, उसमें पत्तियां खोली और भाई के मृत शरीर पर छींटे मारे। भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। उसने सारी बात भाई को बताई। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की को अमर सुहाग और अमर पीहर दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुकार भरते सभी पर अपनी कृपा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, ये थी भगवान गणेश की अमर सुहाग और अमर पीहर की कथा। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।